अस्सलाम वालेकुम, मैं मेन मरी रोड पे खड़ा हूँ। सेंटर हॉस्पिटल को क्रॉस करके थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ पर अल्ताफ़ ज्वेलर आता है, इससे थोड़ा सा क्रॉस करके ये एक गली है जिधर आपको हर किस्म का पोर्टेबल एसी, विंडो एसी, हर किस्म के एसी मिल सकता है। ये बिल्कुल मेन मरी रोड पे सेंटर हॉस्पिटल क्रॉस करके यासीन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ गली है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एसी मिल सकता है। आइए आपको दुकान दिखाते हैं। आज ये मेन गली है, इधर आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आती है मॉडर्न रेफ्रिजरेशन, उसी के साथ अंदर जाकर थोड़ा सा अंदर जाकर ये सामने वाली दुकान है। यहाँ पर इस दुकान का नाम चेक कर लेते पहले, तलाल सेल एंड सर्विसेज सेंटर, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको हर किस्म का विंडो एसी, उसके बाद पोर्टेबल ये हीटर्स हैं, और ये पोर्टेबल में भी पड़े हुए हैं, ये विंडो में पड़े हुए हैं, और इधर ये आइए चेक करते हैं इसके फीचर्स के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। अच्छा आप हमें बताएं ये एसी आपके पास किस किस टाइप के और किस किस वैरायटी में पड़े हुए हैं? हमारे पास जो एसी होते हैं जापानी एसी हैं जी, ये वाले एसी लगे हुए हैं सामने। अच्छा। ये पौने टन में आते हैं, ठीक हो गया। जापानी एसी 110 वोल्ट पे चलने वाले, ठीक हो गया। ठीक है जनाब, ये अच्छा सर, इसके आउटडोर का क्या सिस्टम होता है? इसके आउटडोर का ये होता है जी, विंडो में लगाना पड़ता है, और प्लस इसमें ये बैक साइड इसका, ठीक हो गया, ये जगह बनी हुई है इसकी हवा के लिए, हवा क्रॉसिंग के लिए। ठीक है जनाब, इसमें विंडो में लगा दें और कोई तोड़ फोड़ कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, किसी जाली को काट के उसमें ये लगा दें और इसकी गर्म हवा बाहर जाती रहेगी, और फ्रंट से ये जगह है इसकी, ये यहाँ से हवा बाहर अंदर कूलिंग फेंकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास इनके अलावा ये पौने टन में आते हैं, ये एक टन में पड़े हैं हमारे पास मूवेबल एसी, ये लगे हुए हैं पोर्टेबल टाइप। इसमें ये है कि आप एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा सकते हैं, मूवेबल है। ठीक है जनाब, इसके पीछे लगता है ये पाइप इस जगह पे, ताकि इसकी जो गर्म हवा है 8 से 10 फुट का पाइप लगता है साथ, वो गर्म हवा बाहर फेंकने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा इसमें ये आपके पास जो से ये विंडो में पड़े हुए एसी जी, हमारे पास इनका क्या हिसाब किताब है? ये विंडो में भी है, ये पौने टन के गिरी का भी मिल जाएगा, जनरल का भी मिल जाएगा, और ये सुपर जनरल पौने टन में, ठीक हो गया। इसमें क्या फीचर्स हैं, किस तरह मतलब सेविंग करता है ये बिजली की? जी जी, सेविंग बहुत करता है इसमें, 410 गैस इस्तेमाल हुई है, ठीक है, जो इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है, उसी वजह से इसकी कूलिंग बहुत फास्ट है, और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी इसमें बचत करता है, इन्वर्टर टाइप है जी जी। और इसके बाद आपके पास हीटर भी पड़े हुए हैं? इसके पास है जी, हमारे पास सर्दियों में हीटर होते हैं जापानी, हर किस्म का, ब्लोर में भी मिलते हैं, प्लस ये प्लेट्स में भी हमारे पास होते हैं, हर किस्म की वैरायटी हमारे पास होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये आपको मिलेंगे पोर्टेबल एसी डब्बा पैक में भी आपको, ठीक है, मतलब कि नए में बिल्कुल 0 मीटर, ये पूरे 1 टन की है, ठीक हो गया जी, मतलब कि 12,000 BTU इसी में जो यूज़ में आते हैं वो पौने टन में भी हैं और 1 टन में भी आते हैं।